हेलो एंड वेलकम टू मोनास कुकबुक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लाजवाब रेसिपी जो कि लो इन फैट है और रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन है। मैं बात कर रही हूँ दालों की, जिसे खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहता है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहती है और एनर्जी लेवल्स भी सही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी ओट्स ले लिए हैं। इनको थोड़े से पानी में 10 से 15 मिनट के लिए सोक करके रख देंगे। ओट्स एक सुपर फूड है जो कि विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अब यहाँ पर मैंने ली है 5 तरह की दालें जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। दालों की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे वॉश कर लिया और इसे रात भर भिगो दिया था। अब हम इसे मिक्सर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप और हेल्दी और हाई प्रोटीन रेसिपीज़ के ऑप्शंस चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, अब हमारा ओट्स भी बिल्कुल तैयार है। इसको भी अब मैं मिक्सर में डाल दूँगी। इसके साथ साथ इसमें मैंने डाला है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1-2 हरी मिर्च और उसी के साथ साथ 1 चम्मच जीरा। इन सब चीज़ों का एक अच्छा स्मूथ बैटर हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, एक स्मूथ बैटर रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दालों को डेली अपनी डाइट में यूज़ करने से आपको हार्ट डिजीज़ का खतरा कम रहता है, उसी के साथ साथ आपको डायबिटीज़ का भी रिस्क कम रहता है। दालों में पाया जाता है एक अच्छी मात्रा में फाइबर जो कि आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। इसी के साथ साथ वेजिटेरियंस के लिए दालें मीट का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। डोसे की बैटर की कंसिस्टेंसी ना ही आपको बहुत ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। यहाँ मैंने थोड़े से पानी का भी यूज़ किया है। अब हमारा बैटर रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब हम चलते हैं डोसे को सेकने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। उसके बाद हम अपना बैटर इस पे फैला देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं अपना बैटर यहाँ पे फैला रही हूँ और इस टाइम पर आपको गैस की फ्लेम हाई रखनी है। ये देखिए, 2 मिनट के बाद आपका डोसा कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी साइड्स अपने आप ही तवे से छूटने लगेंगे। उसके बाद ही हमें इसे फ्लिप करना है। ये देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से सिक गया है। इसको हमें ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है और ये पूरा डोसा हाई फ्लेम पर ही सेका जाएगा। ये लीजिए, हमारा डोसा रेडी है। आप इसे सुबह सुबह बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।